खरगोन जिले के भिकनगांव पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी के बैग की तलाशी लेने पर 3 पिस्तौल बरामद की गई है। भिकनगांव थाना प्रभारी रामेश्वर ठाकुर ने बताया कि मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि देर शाम 2 व्यक्ति अवैध हथियार लेकर मोटरसाइकिल से बमनाला भिकनगांव की ओर आने वाले हैं। सूचना मिलते ही यहाँ पर मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने टीम तैनात करी। टीम ने ग्राम सिग्नूर के रास्ते सेलदा शक्कर खेड़ी के पास में यहाँ पर नाले पर बनी हुई रपट पर 2 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से आ रहे थे वह पुलिस को देखकर उन्होंने बाइक वापस पलटा ली और भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर इन्हें पकड़ लिया। मोटरसाइकिल सवार जो व्यक्ति था वह मौके से भाग गया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम तरुण बताया जा रहा है, उसकी वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम गुरुदयाल है। फिलहाल आरोपी के बैग से 3 पिस्टल देसी पिस्टल बरामद कर ली गई है। देखिए, हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान आईजी साहब, डीआईजी साहब और एसपी साहब महोदय द्वारा अवैध हथियारों के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था। इसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम सिग्नूर में से 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से अवैध हथियार लेके आ रहे हैं। ऐसी सूचना पर टीम को रवाना किया है और टीम के द्वारा उन्हें घेराबंदी कर शकर खेड़ी और एक नाला है उसके ऊपर टीम ने दबिश देकर उनको पकड़ा, जिसमें से तरुण कुमार को, ये हरदयाल, पिता का नाम हरदयाल है, ये सीकर राजस्थान का रहने वाला है। इससे एक स्पोर्ट्स कलर का बैग था जो पीछे टांगा था, उसमें 3 पिस्टल इससे बरामद की और एक मोबाइल, ये करीबन कीमती 78,000 का है। और इसका साथी जो इसको छोड़ने के लिए आया है, इनसे ज्ञात हुआ है कि इन्हें जिस तरह से बताया कि गुरुदयाल नाम का व्यक्ति सिग्नूर का है, वो मोटरसाइकिल से भागने में सफल हुआ है, परंतु उसकी भी हम सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। समझो उसको भी बहुत जल्दी हम गिरफ्तार कर मान्य न्याय पेश करेंगे। तरुण का जो राजस्थान का है, उस संबंध में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और पीआर लिया है उससे पूछताछ करके, और संबंधित राज्य से इसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी कि आपराधिक रिकॉर्ड में और तो कहीं संलिप्त नहीं है, और यदि होगा तो उस हिसाब से आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगा। ये अपने शौकिया तौर पे साथ लेके जाना बताया उसने, किसी के द्वारा भेजना इस टाइप की बात अभी नहीं है, और इसमें गंभीरता से पूछताछ करेंगे। इसका ये कृत्य आम सेक्टर की परिधि में आने से वो मुकदमा रजिस्टर्ड करके गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, ये ऑपरेशन सफाया अभियान पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, अवैध गतिविधियों से और ये अवैध हथियारों के परिवहन और क्रय विक्रय को लेकर के, तो इस तरह की कार्रवाइयाँ निरंतर जारी रहेगी? बिल्कुल, इस टाइप की कार्रवाइयाँ जारी रहेगी और हम उन कार्रवाइयों के लिए भी सचेत है और हमारी टीम सक्रिय है, और इस टाइप की अवैध गतिविधियों में जो भी लगे हुए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।